उसकी मोहब्बत में आते ज्ञात घर नाराज हो आप जिधर मकसद ले जाए। हाँ जी, उसने आई लव यू किया, उसने भी आई लव यू किया, इख्तलाफ हो गया, ये क्यों आई लव यू करते हैं, इनकी आई लव यू को तोड़ो। उन्होंने कहा हम जान से जान सकते हैं आई लव यू नहीं तोड़ेंगे, या जाके गोलियां खा के मर गए या कोई चीज खा के, कितने होते वाकई देखा, आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ा, जिंदगी छोड़ दी, लोगों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। ऐसे जो लोग खुदा की मोहब्बत में पक्के हो जाते हैं वो शब्द की छोड़ सकते हैं, खुदा रसूल को नहीं छोड़ सकते। ये ईमान वाले का तकाजा है। तो शेर होते हैं, बातें होती हैं, हर एक अपनी नीयत पे चलता है। बाजे शेर होते हैं, इंसान फिल्म के गाता है या कव्वाल के गाता है, कोई अहले दिल गुजरता है, उस शेर को सुनता है, बात को सुनता है, वो अपनी नीयत पर खुदा रसूल पे ले जाता, बेहोश होकर गिर जाता। कोई दुनिया की बात करता, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, मसलन उसने खूबसूरती की बातें सुनी, लेकिन उसने खुदा की तजल्लियात में खुदा का दीदार किया हुआ था। हाजी नबी करीम के करम में आका जी को देखा हुआ था, उसने खूबसूरती के शेर सुने, खूबसूरती की बातें सुनी, वहीं बेहोश होकर गिर गया। जिसे कहा था किसी बुजुर्ग के पास, कहने लगा मेरा खामन मेरे पर शादी करना चाहता, उससे कहा शरीयत में चार जायज है, मना नहीं कर सकते, बाकी अगर वो इंसाफ कर सके तो ठीक है, इंसाफ ना कर सके तो खुदा ने एक ही को कहा है और ज्यादा शादियों से डराया है, क्या वजन तस्ती हुआ, तुम जितनी भी हिस्स करो तुम अदल इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन इजाजत तुमको दे दी है, फंड के हु माता बल को निशा मसना वसुला वरुबा फिन तुम अल्लाह था दिलू फवाहिदन, हमने तुमको इजाजत तो दे दी है एक दो चार तक, लेकिन तुमको अगर पता चले, तुम अगर तुम देखो फैनिज्म तुम इंसाफ नहीं होगा, मुश्किल मसला है, तो फवाहिदन तो एक ही अच्छी है। और इसी को खुदा ने आयतों में कहा, तो अगली आयतों में भी कहा है वलन तस्तुसाए वलो हरस तुम, तुम अगर हिस्स भी करो तुमसे इंसाफ नहीं होगा, तो फिर एहतियात ही अच्छी है, एक ही ठीक है, मेरा ख्याल है। तो आप कोशिश करें एक ही ठीक है, दूसरी की तरफ न जाए। आप तो खुश होंगे, आपकी घर वाली है बहुत ज्यादा खुश होंगी, शुक्र है इसको नसीहत मिली है। तो ये कुरान से सबूत है, एक ही अच्छी होती है ज्यादा नहीं। जिसने इंसाफ नहीं किया वो क्यामत के आगे उसका आज का धर मारा होगा, हजरत मोहम्मद खुदा उसको फारिज करेगा कि तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया। और खुद शायद तुमने आपको वजाहत भी कर दी है, ज्यादा वजाहत लगी तो औरतों का मसला शुरू कर दो, बस औरतों के मसले दादिल कर दो, बीच में जो बात आ जाए जिसकी जरूरत हो थोड़ी बहुत की, फिर इंसान असल बात पे चले। हमारा तुम्हारा असल मरकज है खुदा रसूल की मोहब्बत, असल मरकज ना औरतें हैं ना दुनिया है ना आखरत है ना जन्नत है, जिनका असल खुदा रसूल का मरकज मोहब्बत होता है वो जन्नत के जिक्र में भी ज्यादा नहीं करते हैं, उसमें भी जाहिद होते हैं, तू भी अमदाज बह जुल जलाल दो जहां की नेमतों पे खाक डाल, माँ सिवा पर हो न हरगिज मुब्तला खालिसन लिल्लाह हक से दिल लगा, सा किया आंखों गमे दुनिया वो दी इससे उसके ता में हूँ फारिग कहीं, हो न दुनिया में ख्याल इक्तिसाब और न अकबा में गमे अजरो साहब, शुगल हो हर दम ख्याल यार से बेखबर हूँ अपने कारोबार से, हूँ मैं हूँ ख्याल अंदर इश्क यार गैर इस्तेगराक के हो कुछ न कार, देखा। तो खुदा करे ऐसी मोहब्बत हमको तुमको नसीब हो जाए। आका जी ने सब मोहब्बतों का किया, लेकिन आका जी बाज़ अल्लाह के मोहब्बत में ऐसे सरशार हो जाते थे तो यहां तक कि किसी और का तस्करा पसंद नहीं करते थे। जैसे एक हज़रत आयशा ने आके दरवाजा खटखटाया, आप अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुजूर में बैठे हुए थे और अल्लाह ताला से बहुत घुले मिले हुए थे, जैसे कहते हैं कि उसमें ताबीर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसकी ताबीर की आका की गुफ्तगू बताएगी। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आपने कहा कौन है, कहा आयशा हूं। तो सरकार का आयशा कौन होती है, कहा अबू बकर की बेटी हूं, कहा अबू बकर कौन होता है, ली माल्ला है वक्त मेरा अल्लाह के साथ कोई घड़ियां होती हैं खास, ला यसा फीहा मलकुल मुकर्रम
वला नबी मुरसल, मुझे गुंजाइश नहीं होती उसमें कोई मेरे साथ मुदाखलत फरिश्ता करे, क्या मुकद्दर क्यों ना कोई नबी क्या ना, मैं और खुदा ही होते, तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। बल्कि यहां तक कहते हैं जफा कि जब ऐसे कहा मोहम्मद तो ऐसे उस मफहूम वाक्यात का आपने कहा मोहम्मद कौन होता है, या मोहम्मद भी नहीं है या अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह 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 आलम, जिसकी तफसीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजों की चीजों की तफसीर करना अपने को मुसीबत में डालना है। जैसे कुरान की बाजे आयतें उसकी तफसीर नहीं की जाती ना करनी चाहिए, जैसे कुरान में हमने आयतें बयान की उसमें मुशाबहात हैं मुख्तलिफात हैं, वमा यालम तावीलहु इल्लल्लाह, उसकी तावील उसकी तफसीर उसका मफहूम हकीकत खुदा के सिवा कोई नहीं जानता है। वर्रासिखून फिल इल्म यकूलूना आमन्ना, जिनको इल्म में अबूर होता है काफी होता है उनके मुंह से यही निकलता है जो खुदा ने कहा ईमान लाए समझ में आए या ना आए, तो ये सब बातों में दखल नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमको आपको जिसको कहते हैं हकीकत मोहब्बत खुदा और नबी की हमेशा नसीब करे, उसका फैज जारी करे, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं लेकिन फैज मिलना ये किस्मत से होता है। तो खुदा करे ऐसी घड़ी हो हमारी आपकी सबकी किस्मत खुल गई हो, खुदा करे हर मुसलमान की घड़ी किस्मत खुल जाए, जमान से जो निकल जाए वो कानून बन जाए, जबान से जो निकल जाए वो कानून बन जाएगा। क्या बात है, आप जो बोले हो खुदा ने बोला, खुदा ये नहीं बोलते हम बोलते, उनका बोलना हमारा बोलना है, क्या मतलब ये हम एक हैं, एक मतलब कि खुदा है कि मुझे इतनी माफ करते हजरत मोहम्मद मुस्तफा से, मैंने अपना सब बोलना आका के हवाले के तुम बोलो तो खुदा नहीं बोला जाओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इन हुआ इल्ला वही जूहा। तो खुदा करे ये फैज हमको नसीब, जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं करते हैं अकीदा रखते हैं, खुदा करे इसका वजाहत हो जाए, वजाहत बयान से नहीं, जैसे मसल आदमी बोलता है वजाहत कुछ दिखना शुरू हो जाए वो वजाहत और होती है। हाँ, एक वजाहत हमने बयान किया तुमने बयान किया, ये भी वजाहत अच्छी चीज है, लेकिन वो वजाहत तुमको कुछ कर देगी, सारी उम्र उस मंजर को नहीं भूलोगे, सारी हर वक्त चार का फलाने वक्त देखा था और ऐसी हालत में देखा था, या खड़े थे या बोल रहे थे या कोई बात कही थी उन्होंने या खामोश से मुस्करा रहे थे, कभी नहीं भूलोगे आप। हजरत अली फरमाते कोई भी उनको देखता था, कोई चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसका दिल बोलते था आज के बाद ऐसा हसीन नहीं देखेगा, उसके अंदर से ऐसे, क्योंकि आका जी की हदीस शरीफ में मन रानी ये मना मन फसा या रानी यक लसन फल लसन, ऐसे हदीस अदबी में है इस मफहूम में, जो मुझे सोते देखेगा तो जागते भी देखेगा। अब वो अल्लाह ताला हमारे नसीब ऐसे करे कि जिसको जिस चीज की तलब होती है उसके पीछे उसका कुछ जैसे कहते हैं ना अमल भी होता है, कोशिश भी होती है, मेहनत भी होती है जी, तो फिर तकाजा करम उसको परेशान नहीं होने देता, ये मेहनत बहुत करता है कोशिश बहुत करता है, चलो आज इसको खुश कर दे हम दिखा दे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। ऐसे हुआ बाजों के साथ ऐसे ही वाकयात सुने कि हिजाब हटे और उनकी जबान पाक से ऐसे सुना था अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये चीजें सुनते हैं शौक पैदा होता है तमन्ना पैदा होती है। आगे जो हम लोग के आमाल हैं या शक्लें हैं या अंदर से जो कुछ सारी चीज को पता है कि नबी करीम ने खुद भी इसकी वजाहत की और चश्म पोशी की सब की, क्या कुल्लुकुम खताईन, तुम सब खता करते हो, खैर अल खताईन तव्वाबीन, तुम में से अच्छा वो है जो खुदा से माफी मांग ले गुनाहों पर इसरार न करे, तो खुदा करे हम सच्चे तौबा वाले बने इंशाल्लाह, कलम का तकाजा जो है वो मुमकिन हो जाता है, और मुजाहदे रियाजत से वो चीज दूर होती है कि उससे हकदार नहीं बन सकता, रियाजत मुजाहदे से वो चीज बहुत बाला तर है कि इंसान मेहनत से हासिल करे, कलम में बहुत कुछ मिल जाता है,
तो हम कर्म की भीख मांगते रहते हैं तो कर्म हो ही जाता है कुछ न कुछ, बहुत भी हो जाता है किसी को, थोड़ा भी हो जाता होगा, लेकिन इंसान लालची है ना, तो हम तो कर्म के लिए यहाँ बैठते हैं, तुमको भी कर्म के लिए इकट्ठा करते हैं कि पढ़ना पढ़ाना तो हर जगह होता है, लेकिन कर्म का एक तस्वर होता है कि भाई आतुल नबी है, सारी कायनात को देखते हैं, खुद ही कहा क्या मतलब कहा देखता हूँ, तो उनसे हमें कर्म की नजर चाहते हैं, भीख चाहते हैं, वो होती होगी लेकिन जैसे दिखता नहीं है, या दिखे तो बहुत मुश्किल है, वो आया है कब आया, किस पे आया हुए हैं, हमारे नीचे कोई मुशाह नमाज पढ़ते, नमाज में आकर जिसे बातें हुई, ये हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो ध्यान उधर था ना, तो उस ध्यान में उनको नमाज में गलती लग गई थी, तो सीधा सहो किया, तो किसी हमारे साथ के कोई तालिब इल्म थे, हम भी तालिबिलों में थे, तो यमानी ने पूछा कि सब आज आपने सजदा सहो किया, भूल गए थे, कहा भूला नहीं, लेकिन जब खुशी गालिब हो, कोई शौक गालिब हो मशाइख को भी, तो कोई बात उनसे भी निकल जाती है, तो उनका भूला मैं नहीं हूं, मुझे नबी के उनसे बातें करनी पड़ गई, मुझसे बातें कर रहे थे नमाज में, कहते दो तुम्हारे पीछे आए, ख्याल करना ये तुम्हारी जैसे सी आई डी करके ये कर, एक तो थोड़ा ठीक है और एक थोड़ा ऐसे ही है, तो यानी एहतियात करो, हिफाजत तो खुद करते हैं अपने मोहब्बत वालों की, तो उस जमानी को बताया था, हमने भी सुन लिया, जब एहतियात का बताया तो फिर वो जोर की नमाज के बाद हमेशा घर चले जाते थे, तो उस दिन नहीं उठे, बैठे ही रहे, लंबा कर दिया बैठना, काफी देर हो गई, तो फिर वो लोग थक गए जो आए थे यानी जासूसी करने, कि ये उठे तो घर में भी जाए देखे क्या होता है, तो आप बैठे उठे नहीं, देर हो गई तो चले गए, फिर उस जमानी ने पूछा शेख साहब आपने आज बड़ी देर की, कहा हाँ देर की, दो आए हुए थे उनको भगाना था, तो आका जी से नमाज में बातें हुई थी, उन्होंने मुझे समझाया था और नमाज में दिखाया, कहीं दोनों को देख लो नमाज आगे तुम्हारे पीछे आए, कैसे अपनी मोहब्बत वालों को दिखाते, तो कुछ एहतियात कर, तो कुछ क्या एहतियात कर, मतलब है कि तरीके से अंधा होके चलना चाहिए, तो तुम जान के ऐसे ना करो, अगर उनकी तरफ से कुछ हो जाए तुम्हारी नमाज नहीं टूटती है इंशाल्लाह तुम्हारी नमाज नहीं टूटती है, चले जी उनकी इम्तियाज है, खसूसियात है ना उनकी खसूसियात, तुम किसी के सामने से गुजरो उस तो तुम्हारी नमाज में गुजरना मना है, आका जी कह लो या अलमुल मार, अगर गुजरने वाले को पता चले लवकफा अरबईन 40 साल या 40 दिन या 40 महीने खड़ा रहे उसके सामने से नहीं गुजरेगा, कैसी बात है, और आका की खसूसियत अगर तुमको बुलाए नमाज तोड़ के आओ, सोचने की बात, एक दफा किसी साहबी को बुलाया, वो थोड़ी देर के बाद आया, आपने कहा मैंने आवाज दी थी, तुमने देर लगाई, कहा जब आपकी ने आवाज दी थी तो फिर मैं नमाज पढ़ रहा था, कहा जब मेरी आवाज आई थी नमाज तोड़ देनी थी, नमाज तोड़ देनी थी, मुझे जवाब देना था, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अस्तजीबु लिल्लाह व रसूल दाअकुम लिमा युहयीकुम, फरमाया कि खुदा रसूल को जवाब दो जब वो बुलाए, मेरा बुलाना खुदा का बुलाना था, तुमने नमाज तोड़ दी थी, नमाज नहीं पढ़नी थी, देखो अब बताओ अजमत रसूल की कितनी इंतहा है, इंतहा है कुछ, और फिर कहना चाहिए वो हमारे जैसे बशर थे, तुम्हारे में ये बात है जो आका जी में बात है, इससे गुरे कुरान ने कहा एक जगह तुमको कहा इनको कहो मैं तुम्हारे जैसा हूं, कहा ना, और दूसरी जगह क्या कहा, वला तजहरू बिलकौल कजहर, जैसे आपस में बात करते हो ऐसे गुफ्तगू ना किया करो, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, ला तरफा स्वा सकूं, ऊंची आवाज न किया करो जब उनके सामने जाओ, तो तुम्हारे जैसे होते अल्लाह ऐसा कहता, वो तो तुमको तंबीह किए बशर मिसलुकुम कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, तुमको पता अभी नहीं चला मैं तुम्हारे जैसा हूं या नहीं हूं, सोचने के लिए कहा सोचो, लेकिन नीम अल्लाह खतरा ईमान नीम हकीम खतरा जान, खुदा दोनों से बचाए, लेकिन पहले नीम अल्लाह से बचाए फिर नीम हकीम से बचाए, बोलो आमीन इंशाल्लाह। अभी जो मैं बातें करता हूँ जज्बे से ऐसे नहीं करता हूँ, जज्बा तो अपनी जगह होता है,
लेकिन मुझे पता है यहाँ पढ़े लिखे इलम वाले हर आते कश्ते बाहर जाती हैं, तो वो जितना मेरा अंदाजा होता है 100% तक मैं ठोस दलील कुरान हदीस से बात करता हूँ। इसलिए आज तक किसी ने कोई मुझे सवाल जवाब नहीं भेजा ना अखबार वरना यहाँ बड़े फिरते हैं ये कैसे कह दिया, ये कहाँ से कह दिया, ये क्यों कह दिया, कहाँ आया। क्योंकि जो अजमत रसूल के कायल हैं वो भी मोहब्बत वाले हैं, जो अजमत रसूल से अंधे हैं वो भी हैं, तो उनको मौका मिलेगा तो जब दलील होगी तो मुंह बंद हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे। और खुदा जो अजमत रसूल के खिलाफ हैं अल्लाह उनको पहले हदायत दे। इसमें कोई करेगा क्या, ये फकत नसीब की बात है उनके कर, जब चाहे जोफशा हो जब चाहे हिजाब डाल दे उनकी मर्जी। तरीके की बातें समझ में ना आए तो वल्लाह आलम कहा करो, इनकार ना किया करो, ना इकरार ना इनकार, वल्लाह आलम। क्योंकि इंसान इलम की इंतहा को जाहरी इलम की इंतहा को नहीं पहुंचाए, ना तिब को पहुंचाए ना ये डॉक्टरी को पहुंचाए, तो जो बात नहीं इलम है खुदा क्योंकि वहां कहां पहुंच सकता है, वहां तो नबी भी नहीं पहुंच सकते। तो फैसला कुन बातें नहीं करनी चाहिए, जो सुनना पड़ा उसके बाद खत्म हो गया हुई ना, उसके बाद भी बहुत कुछ है। इसलिए जो समझ में आ जाए ठीक है, जो समझ में ना आए वल्लाह आलम बात खत्म होगी। तरीकत में खामोशी, जो समझ में आए ठीक है आसान रास्ता, ना आए वल्लाह आलम। सब चीजें दलील से समझ तो नहीं आती ना बातों से समझ आती है, और तरीकत वाले जो सही है उनके मुंह में जबान नहीं होती झगड़े के लिए, खामोशी रहती, झगड़े से बहुत डरते हैं कि कोई फैज कम ना हो जाए या कोई बेअदबी ना हो जाए, या इसको समझाऊं ये समझे ना बेअदबी के लफ्ज बोले, लब कुशाई में ना हो गुस्ताखी, खामोश रहते कि ये बेअदब बोलेगा और मेरे कहने से ये आगे गलत सवाल करेगा जिससे मैं सबब बनूंगा। या आका जी ने भी ऐसे अपनी उम्मत को समझा, कल मुन्ना साला कदर उकूल, लोगों से बात किया करो उनकी अकल समझ को देख कर, कि सब बातें ना किया करो। तो बाद मौली जल्दी में सारी बातें कह देते हैं, फिर लोग मुखालफत करते हैं, फिर क्या करते हैं ना इत्तेफाकी। जो बात समझ में आ गई नहीं है वल्लाह आलम, बहस नहीं करनी है बस। तो कितनी राहत है तरीके, बहुत राहत है।